क्वेश्चन है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ सोलर रेज इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर व्हिच रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 0.8 मीटर. डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द मिरर वेयर द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट. इफ द एक्सटेंशन ऑफ द इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट द ऑप्टिकल एक्सिस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर पोल. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस सर. मैं शायद वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रही है हमारी. यस सर. DPP2 का क्वेश्चन नंबर 8. ऐसे आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग बीम आ रही है. कन्वर्जिंग मतलब ऐसे कन्वर्ज होगी, ठीक है. कहां पे मिल रही है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ सोलर रेज़ इंसिडेंट ऑन कॉनकेव स्फेरिकल मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.8 डिफरेंट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द मिरर वेयर द रिफ्लेक्टेड रे इज इंसिडेंट. 40 सेंटीमीटर पे मिल रही है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है r है इसका 0.8 मीटर में दे रखा है यार, और ये 40 सेंटीमीटर. यस सर. 40 सेंटीमीटर गिवन है आपको. 40 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है. तो हमें बता रहे हैं कि ये रे आपस में यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे करके मिलेगी, मतलब इमेज बनेगी यहाँ पे. तो हमें कुछ नहीं, इमेज की पोजीशन निकालनी है, ठीक है. तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ आर बाई टू. 0.8 मतलब कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर. यस सर. 80 सेंटीमीटर बाय टू कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर. यस सर. फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर होगी. आप लगा दो मिरर फॉर्मूला, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 बाय f. 1 अपॉन v, u आपका पॉजिटिव में होगा क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है सर, ठीक है. ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट. यस सर. u आपका पॉजिटिव में, 1 बाय 40. और फोकल लेंथ कितनी? कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस 1 बाय 40, ठीक है. तो सॉल्व करोगे कितना आएगा? 40 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 बाय 40. वी इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म होगी, ठीक है. कर लो उसको. ऑक्सिलियम गर्ल्स स्कूल है, सारे क्रिश्चियन स्कूल है वहां पे जनरली. नोट कर लो इसको. क्वेश्चन नंबर 1. अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर पैरेलल टू द सेकंड एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर. तो बताओ दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल होगा? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार. त्रिपुरा का देखो, त्रिपुरा का है. त्रिपुरा का है. 4000 बच्चे उसी को बना देना शुरू कर रहे हैं. शीट में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, दो मिरर है ऐसे करके, एंगल पता नहीं हम लोगों को, थीटा एंगल है.
क्या बोल रहा है, एक रे आ रही है इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, इस वाले मिरर के, M1 बोल दो उसको, M2 रिफ्लेक्ट हुई इस पर जाएगी, फिर ऐसे जा रही है। अब ये जो रे है ये M2 के पैरेलल है, इंसिडेंट रे इसके पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे M2 के पैरेलल है, बताओ ये थीटा कितना होगा। तो पैरेलल है तो देखो, पैरेलल है तो क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, तीनों एंगल 3 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यस सर, ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्राइक अ प्लेन मिरर व्हिच इज इंसिडेंट एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। द एंगल अल्फा फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे बिकम वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुआ इसका तो मैंने आंसर भी दे रखा था आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर टू, मिरर दे रखा ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, एक रे आ रही है ऐसे करके जो हॉरिजॉन्टल से 10 डिग्री बना रही है, ऐसी बोल रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड स्ट्राइक अ प्लेन मिरर व्हिच इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और मिरर का एंगल, मिरर जो है वो मिरर कितना एंगल बना रहा है, मिरर अल्फा एंगल बना रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये लाइट जो है ये वर्टिकली चली जाए, नीचे चली जाए, तो बताओ फिर कि अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। द एंगल ऑफ अल्फा फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे बिकम वर्टिकल, ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस 10, यस सर, तो ये वाला एंगल भी अल्फा माइनस 10 होगा, यस सर, ये दोनों, और ये क्या 90 है, यस सर, तभी एंगल का सम 180 होगा, यस सर, अल्फा माइनस 10 प्लस 90 प्लस अल्फा कर दो आप डायरेक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 90 माइनस 10 80, 180, 2 अल्फा इक्वल टू 100, अल्फा इक्वल टू 50 डिग्री, अल्फा आपका 50 डिग्री आएगा, ऑप्शन में है, ठीक है, अल्फा 50 डिग्री। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ इंसिडेंट रे एमपी एंड रिफ्लेक्टेड रे क्यूएन आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द मिरर्स। क्वेश्चन समझो, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके जेई मेन और नीट वगैरह में आते हैं, बिल्कुल आसान आसान है, टफ नहीं है। दो मिरर दे रखे ऐसे करके, एक रे जा रही यूं करके, इस पे गिरी ऐसे बाहर आ गई, ये दोनों रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, हम लोगों को निकालना है, बताओ ये थीटा कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बना दो, दिस इज आई वन, दिस इज, दिस शुड बी आई वन, यहाँ पे भी नॉर्मल बना दो, ये आई टू, दिस शुड बी आई टू, ठीक है, पैरेलल है इसका मतलब क्या हो गया, I1 प्लस I2 और I2 प्लस I2, ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, यस सर, होंगे नहीं होंगे, यस सर, ठीक है, तो मतलब मैं लिखता हूं 2 I1 प्लस 2 I2, इनका सम 180 होगा ना, यस सर, I1 प्लस I2 का सम 90 होगा, Yes, sir. और 2 I1
इक्वल टू टू आई टू भी होगा, ये भी कन्फर्म है. तो यहाँ से आपका इंसिडेंट एंगल निकल जाएगा आई वन इक्वल टू आई टू. तो आई वन आई टू बराबर है, तो मतलब आई वन 45 और आई टू भी 45. 45 निकल गया ये आई वन, 45 ये भी 45, ये भी 45 होगा फिर. यस सर, ये वाला एंगल ही 45, तो बचा हुआ एंगल क्या हो गया थीटा, 90 हो गया. यस सर, ठीक है. यस सर, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन. अ पॉइंट सोर्स हैज बीन प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर. व्हाट इज द लेंथ ऑन द स्क्रीन दैट विल रिसीव रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर. ठीक है, अच्छा सवाल है. हुआ हो गया किसी से, किसी ने करा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करा. यस सर, आंसर आ गया. यस सर, आंसर 2H आया. अच्छा ठीक है, h height की है ना, इसके ऊपर सोर्स रखा हुआ है इधर, फिर यहां से h डिस्टेंस पर एक मिरर रखा हुआ है. ठीक है, h डिस्टेंस पे मिरर है, मिरर की लेंथ भी h है, मिरर आल्सो h लेंथ. फिर यहां से 2h डिस्टेंस पे यहाँ पे स्क्रीन है. अब क्या हो रहा, सोर्स से जो लाइट है, एक लाइट ऐसे गिरेगी रिफ्लेक्ट होगी, यहां पे इमेज लाइट दिखी गया, तो इसकी लेंथ कितनी होगी ये निकालना हम लोगों को. कैसे निकालेंगे, इसका नाम एस लिख दिया, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं नाम और कुछ दे रखे हैं आपको, एस लिख दिया यहाँ पे, इसको लिख दो ए, इसको लिख दो बी सी, इस पॉइंट को डी ई एफ. मुझे ई एफ निकालना है, ई एफ निकाल लूंगा आंसर हो जाएगा. अब देखो ट्राइंगल एस ए बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मान लो थीटा वन है, तो ये भी थीटा वन होगा. यस सर, सेम एंगल बनाते हैं मिरर से. ये वाला एंगल थीटा टू, तो ये वाला एंगल भी थीटा टू, सेम एंगल बनाते हैं. यस सर, तो ये वाला ये 90 है, इसमें भी 90 होगा. तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे. ट्रायंगल एस ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ए बी एफ डी बी. बात समझ में आई, एस ए बी एफ डी बी सिमिलर होंगे. तीसरा वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए. तो इनकी साइड का रेशो ए बी अपॉन, सॉरी ए बी नहीं, एस बी, एस बी अपॉन ए बी, इसकी परपेंडिकुलर इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर इसका बेस, एफ डी अपॉन बी डी. एस बी कितना है, एस बी नहीं सॉरी एस ए आएगा ना सर, एस ए, एस ए कितना आपका एच, ए बी कितना है आपका ये भी एच, एफ डी, एफ डी हमें निकालना है, और बी से लेके डी तक 3H. यस सर, एच एच कैंसिल, तो एफ डी आ जाएगा यहां से 3H, एफ डी आपका 3H आ गया. यस सर, मेरे साहब इस वाले ट्रायंगल में करो, ट्राइंगल ई डी सी इज सिमिलर टू, ई डी सी सिमिलर टू एस ए सी, ट्राइंगल एस ए सी. ठीक है, अगेन ई डी अपॉन सी डी, ई डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू एस ए अपॉन ए सी, एस ए अपॉन ए सी. ई से डी तक हमें पता नहीं है, ए डी हमें निकालना है. सी डी, सी डी कितना है 2H, 2H. ऐसे ऐसे कितना है एच, ए सी कितना है ए से सी तक, ये एच है और ये भी एच है, तो 2H, 2H से 2H कैंसिल, सी डी आ जाएगा आपका
तो मुझे एफ ई चाहिए, तो एफ ई क्या होगा, एफ ई डी एफ माइनस डी, हाँ एफ डी माइनस ई डी, एफ डी आपका आया कितना 3H, 3H माइनस एच, तो आंसर आएगा आपका 2H, ठीक है। यस सर।